हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आज के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही प्रश्न आज के एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सारा प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न जो है वह छपने वाला है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खंड खा में जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, गद्यांश पूछा जाएगा या फिर पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान होता है दोस्तों, बस इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, सारा आंसर आपको जो है इस पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है, बस आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। मैं आप लोगों को सीधा इससे जो पूछा गया प्रश्न दोस्तों उसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। पहला नंबर देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार किसका द्योतक है, प्रकृति का, संस्कृति का, सभ्यता का, मूर्खता का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका सभ्य आचरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इसको दोस्तों आपको याद नहीं करना है, सारा आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको बस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिष्टाचार का सर्वमान तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फोर नंबर प्रश्न है आपका, किसका आचार विचार शिष्ट होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो व्यक्ति सुसंस्कृतिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे फिर से पूछा जाएगा यहाँ पे पद्यांश, ठीक है, 5 से 8 के लिए आपका पद्यांश पूछा जाएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान होता है, बस इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, सारा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सीधा इससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यानपूर्वक अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम कल जो है दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में है, तो अभी आपके पास समय है, ठीक है। आगे देखिए, जो आपका इस पैसेज से प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो है आपका यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ तक आपका पैसेज था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए आपका पूछा गया है, बटोही, ठीक है, बटोही का क्या अर्थ होता है, ठीक है, बटोही का क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद की, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, ठीक है, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, जय पराजय विश्वास अविश्वास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, अमुक मूक अचूक चूक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए दोस्तों, आगे आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा खंड खा में व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न गया है, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, इसका दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न यहां पे है दोस्तों आपका, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य एक प्राणी है, सही शब्द से रिक्त स्थान को भरे, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्राणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मानवीय, ठीक है, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, उपसर्ग कौन सा, उपसर्ग मतलब होता है दोस्तों जो पहले जुड़ता है, ठीक है, जो पहले जुड़ता है वही आपका जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या जुड़ा हुआ है, सु जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा सु, ठीक है, सु प्लस उक्ति ये हो जाएगा आपका सूक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न है, वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तो दोस्तों टोटल 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है,
कर्ता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है, ठीक है, इनमें से दोस्तों एक वाक्य आपका सही है, बाकी आपका जो है वह जो लिखा गया है वो आपका सभी गलत है, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीरा ने भजन गाई है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है, तो फूल का आपका जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो आपका सुमन होता है, कुसुम होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है, और दोस्तों एक दो और होता है, ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है, मैंने आप लोगों को दो बता दिया, सुमन और कुसुम, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका, प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका उपनाम महल, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सरल का सही विलोम होगा, विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है, तो सरल का जो है उल्टा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कठिन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चित होकर सोना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए खंड खास से आप लोगों से पे दोस्तों पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा 21 से 24 के लिए, ठीक है, ये आपका पाठ्यपुस्तक से ध्यान से दोस्तों आपके बुक में जितने भी पोयम है वहां से कुछ पोयम कुछ लाइन को उठा लिया गया है, कोई भी एक पोयम से दोस्तों, और इससे आपके इससे जो है वह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए यहां तक आपका पोयम है, इसको आपको पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको आंसर नहीं मिलेगा, इससे यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक जो है वह कौन है या कौन से पोयम से लिया गया है, ठीक है, ये सारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे जब आप लोग किताब को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है, पोयम को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, वरना आप लोग इसका आंसर आसानी से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया आपका, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, ये जो आपका लाइन लिखा गया दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यहां मुझे किसको कहा गया, ठीक है, यहां मुझे किसको कहा गया, कोयल को, कबूतर को, ऑप्शन बी है दोस्तों मैना को, कैदी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैदी को, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया 23 नंबर, कैदी का संसार कितने फुट का है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, रणभेरी का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका युद्ध का बाजा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। आगे देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर दोस्तों, कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, मरकत डीबे सा खुला क्या है, ठीक है, ये आपका ग्राम है, शहर है, नगर है, कस्बा है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का ग्राम है, ठीक है, मरकत डिब्बे क्या है, तो एक प्रकार का ग्राम है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, एक बीते के बराबर क्या है, ठीक है, एक बीते के बराबर क्या है, तो ये आपका दोस्तों चना है, ठीक है, एक बीते के बराबर आपका चना है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आगे आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 29 से 32 के लिए फिर से आपका गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, ये गद्यांश आपके बुक से लिया गया है दोस्तों, कोई भी चैप्टर से यहाँ पे कुछ लाइन को उठा लिया गया है और इससे यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसको आपको खुद से पढ़ लेना है, सलीम अली कौन थे, ठीक है, सलीम अली कौन थे, तो ये आपका पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो जटिल प्राणी जो कहा गया है दोस्तों मानव को कहा गया है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक होता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है, ठीक है, जो आपका गद्यांश दोस्तों कौन से पाठ से लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांवले सपनों की याद, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपके बुक में एक चैप्टर है सांवले सपनों की याद, वहां से ये जो आपका है वह लिया गया है पैसेज को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दोनों बैलों का मालिक कौन था, ठीक है, दोनों बैलों का मालिक कौन था, तो वो था दोस्तों झूरी, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो नाना साहब की पुत्री का नाम था दोस्तों आपका मैना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उसे कवित्री बनाना चाहते थे, विदुषी, लेखिका, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवियत्री, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। 37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? ये दोस्तों एक प्रकार का आपका रिपोर्टार्ज है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा यह पंक्ति किस पाठ का है? ठीक है, ये जो आपका लाइन है दोस्तों कौन से पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माटी वाली, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके बुक में एक चैप्टर है दोस्तों माटी वाली, वहां से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पान की तिस्तरी। ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका टिहरी शहर का वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर, यही प्रश्न दोस्तों आज के एग्जाम में छपने वाले हैं। अभी तक आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।